उसमें वर्ड्स किस क्या है, बेस किस क्या है, वो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा, क्योंकि तुम लोग एल्गोरिथम में वो पैरेलली सीख रहे हो, और हम लोग जो देखेंगे थोड़ा जो टाइम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग जो बिगो नोटेशन देते हैं उसके उसके बेसिक नोटेशन, तो ये तुम लोग जानते हो बेसिक डेफिनेशन, एंड फिर उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, बस इतना ही है आज के क्लास का मटेरियल। तो देखते हैं कि हाउ इट गोज, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कहाँ पे खत्म किए थे कि एल्गोरिज्म के बारे में बात किए थे कि एल्गोरिज्म किस लिए काम आता है, एल्गोरिज्म क्या करते हैं, ऑलवेज प्रोवाइड एन आंसर, ठीक है, और इट गारंटीड एंड एल्गोरिज्म टर्मिनेट होना जरूरी है, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप स्टेप में टर्मिनेट होना जरूरी है, ठीक है। अब जो है कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस सर, यस सर, यस थैंक सर। यू। और अब जो है कि डिफरेंट अप्रोच टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, जब हम एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए बैठे हैं, तुम लोग अभी डिजाइन कर रहे हो बहुत सारे एल्गोरिथम, और बहुत सारे एल्गोरिथम का डिजाइनिंग देख रहे हो, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो तुम लोग ये चीज ध्यान में रखो कि एक ओवरऑल जनरलाइजेशन है कि जब डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे कैसे डिजाइन हो रहा है, कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो हो रहा है, जो जनरली जो यूजुअली इसको नाम दिया गया है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। तो उसके पहले तुम लोगों को ये मॉड्यूल के बारे में जानना जरूरी है, तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जब देखते हैं, इट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल, ठीक है। जो हम लोग एल्गोरिथम देखोगे, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम बेसिकली उसमें बहुत सारा यूनिट है, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक में फ्रेम मॉड्यूली एसेंशियली इज अ गुड कीवर्ड, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एल्गोरिथम इनटू मॉड्यूल इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन। जब हम लोग जो प्रोसीजर में हम लोग एक एल्गोरिथम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट, कि हम लोग छोटा 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 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। बड़ा एल्गोरिथम एक बार में नहीं लिख सकते, तो छोटा छोटा मॉड्यूल। द की एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलराइजेशन इज एज फॉलो, इट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सिंपलर टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जब हम लोग बड़ा एल्गोरिथम लेके काम कर रहे हैं तो काफी डिफिकल्ट, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। इसके चलते इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होता है, और इस और इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होता है, डिबगिंग। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, सर आप रिमूव भी हो गए थे शायद, आपका नेटवर्क इशू है। अब देखो क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो इसलिए। ओके, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जब ईच जो मॉड्यूल है कैन बी डिजाइन इंडिपेंडेंटली, इसके चलते क्या होगा, जब इंडिपेंडेंटली तुम मॉड्यूल डिजाइन करोगे तो तुम्हें दूसरे जब तुम उसके इम्प्लीमेंट एंड डिजाइन करोगे तो उसके चलते क्या होगा कि तुम्हें इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, इसमें तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मैं बोला था सॉफ्टवेयर डेव डिजाइन करो, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, ये सब होता है, दीज आर द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। तो ये सब चीजें तुम्हें सिंपल हो जाता है,
ठीक है, तो ये इसलिए मॉड्यूलराइजेशन इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। बट जब तुम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग में जाओगे, मॉड्यूलेशन जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ से डिराइव करोगे अगर पॉसिबल है, तो ये तुम्हारा एफिशिएंसी मैटर करता है। तो देयर आर मेनली टू मेन अप्रोच टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, एक बॉटम अप अप्रोच, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप। ये जनरली तुम लोग जानते हो, अगर सी प्रोग्रामिंग की हो, एल्गोरिथम क्लास में भी ये सब डिस्कस होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर पिक्चर देखो तो हम लोग, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को मैं डायरेक्टली डिजाइन करने नहीं जाऊंगा, तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को छोटा छोटा मॉड्यूल में डिजाइन कर लेंगे, फिर ये मॉड्यूल वन को और छोटा छोटा मॉड्यूल में डिजाइन करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हम लोग सब मॉड्यूल में डिवाइन करेंगे, जब तक ये मॉड्यूल इजीली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल ये सब चीजें आसान ना हो जाए, तब तक हम लोग मॉड्यूल को सब मॉड्यूल में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इस पार्ट को सॉल्व करो, और इस पार्ट को भी सॉल्व करने का मतलब है इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को कोड लिखो, इस पार्ट को कोड लिखो इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, हम लोग छोटा छोटा मॉड्यूल है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर में जोड़ते हैं, फिर जोड़ के फिर मुझे मेरा है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आता है। तो दोनों तरह से होता है, दिस इज बेसिकली रिवर्स टेक्निक, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल करते हैं, बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स बाय डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन जो डिजाइन है अप्रोच, स्टार्ट्स बाय डिवाइडिंग द एल्गोरिथम इनटू वन और मोर मॉड्यूल, ये तो क्लियर है, ठीक है। दीज मॉड्यूल्स कैन फर्दर बी डिकम्पोज्ड, कब तक करेंगे, इनटू वन और मोर सब मॉड्यूल्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो डिकम्पोजिशन इज आइटरेटेड, चलते जाएगा अंटिल द डिजायर्ड लेवल ऑफ मॉड्यूल कॉम्प्लेक्सिटी, डिजायर्ड लेवल ऑफ मॉड्यूल कॉम्प्लेक्सिटी इज अचीव, ठीक है। तो जब तक जो तुम्हारे जो मॉड्यूल का कॉम्प्लेक्सिटी सिंपलर हो जाए, तब तक तुम उसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन डिजाइन मेथड इज ए फॉर्म ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, वेयर वी बिगिन विद द टॉप मॉड्यूल एंड इंक्रीमेंटली एड मॉड्यूल्स दैट इट कॉल्स। जल्दी हम लोग क्या करते हैं कि अगर तुम ये पिक्चर देखोगे तो बेसिकली ये मॉड्यूल ये सब मॉड्यूल को कॉल करता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि हम लोग तब तक ये सब मॉड्यूल को कॉल करते हैं, इंडिपेंडेंटली डिफाइन करते हैं और इसको कॉल करते हैं। ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। देयरफॉर इन द टॉप डाउन अप्रोच वी स्टार्ट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, ठीक है, एंड इन देन एट ईच स्टेप दिस डिजाइन इज रिफाइंड इनटू मोर कॉन्क्रीट लेवल अंटिल ए लेवल इज रीच्ड दैट रिक्वायर्स नो फर्दर रिफाइनमेंट। Essentially that no further requirement मतलब तुम उसको मॉड्यूल को ब्रेक करते जाओ, जब तुम्हारा मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन काफी इजी हो जाएगा तो फर्दर रिफाइनमेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच अपोजिट है, ठीक है, रिवर्स ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। इन द बॉटम अप डिजाइन वी स्टार्ट विद डिजाइनिंग द मोस्ट बेसिक एंड कॉन्क्रीट मॉड्यूल, ठीक है, नीचे से हम लोग बेसिक जो मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करने जाते स्टार्ट करते हैं, एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स डिजाइनिंग द हायर लेवल मॉड्यूल, ठीक है। पहले हम लोग ये सब मॉड्यूल को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन फिर उसको जोड़ते जाते टू गेट द कॉम्प्लेक्स अप्रोच, यही चीज है, ठीक है। तो द हायर लेवल मॉड्यूल इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय लोअर लेवल मॉड्यूल। तो बेसिकली हायर लेवल मॉड्यूल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, बेस्ड ऑन द ऑपरेशन परफॉर्म इन द लोअर लेवल, ठीक है। दस दिस अप्रोच दिस अप्रोच modules are grouped together to form a higher level module, okay. All the higher level modules are clubbed together, okay, to form a even higher level modules. This process is repeated until the design of complete algorithm is obtained. So completely reverse way mein hai, aise chote chote module tayar karte hai usko फिर इम्प्लीमेंट करते हुए जाते हैं उसको फिर क्लब करते करके हायर लेवल मॉड्यूल डिजाइन कर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर गो ऑन कब तक करेंगे, जब तक हम लोग का कंप्लीट एल्गोरिथम ऑप्टिमल, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दोनों के अंदर डिफरेंस में दिख रहा है, तो मैं अलग से और टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे नोट करो कि ये जरूरी नहीं कि टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच वहाँ पे भी अप्लाई ऑन द सिचुएशन और एप्लीकेशन काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर बेस करके तुम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है लेटेस्ट मूव टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तुम लोग स्टडी किए हो, तो हम लोग प्रोग्राम एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे, प्रोग्राम एफिशिएंसी हम लोग दो पैरामीटर से एसेंशियली जज करते हैं, तो वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस के लिए भी हम लोग जनरली जो तुम्हारा एल्गोरिथम है, तुम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टडी करते हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी तुम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी को स्टडी करना है काफी, दिस इज ए ब्रॉड एरिया, किसी को ये स्टडी करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी करके बुक है जो ऑटोमाटा थ्योरी का एक्सटेंशन है, ऑटोमाटा थ्योरी में भी है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, और तुम कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का बुक आता है तो उसमें तुम्हें स्पेस कॉम्प्लेक्स में और डिटेल में जान पाओ। तुम एल्गोरिज्म को उसमें जो करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर, और फिलहाल अभी जो एल्गोरिज्म की एफिशिएंसी देखते हो, मैं पहले भी बताया था कि अभी एल्गोरिज्म की एफिशिएंसी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर जांच करके देखते हैं, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी तुम लोग को इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, एसेंशियली कितने स्पेस रिक्वायर्ड है मेमोरी में टू रन द प्रोग्राम, ठीक है, ये सब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो देखते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ये क्या करते हैं बेसिकली एनालाइजिंग एन एल्गोरिज्म, मींस जब तुम एल्गोरिज्म को एनालाइज करने बैठते हो, ठीक है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा अमाउंट ऑफ रिसोर्स कितना यूज किया, सच एज टाइम एंड मेमोरी, ठीक है, ये दो पैरामीटर के ऊपर बेस करके हम लोग एल्गोरिज्म का एनालाइज बेसिकली एफिशिएंसी देखते हैं, हां। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। एल्गोरिज्म आर जनरली डिजाइन टू वर्क विद एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, तो तुम जितने इनपुट चाहो और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, सो द एफिशिएंसी एंड और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिज्म इज स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब सिंपल वे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिज्म इज बेसिकली द रनिंग टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज। तो बेसिकली बहुत सारे इनपुट होते हैं, फिर ये नंबर ऑफ इनपुट के ऊपर बेस करके तो कितने टाइम ले रहा है, इस ये बेसिकली फंक्शन ऑफ एन इनपुट साइज के ऊपर बेस करता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे कि तुम प्राइम नंबर के लिए प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एन नहीं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर को नंबर ऑफ बिट्स की जो बाइनरी डिजिट के रिप्लेस करके नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर बेस करके होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस की इनपुट साइज होता है, ठीक है। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिज्म इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, ठीक है। तो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इनपुट साइज में कितने मेमोरी यूज हो रहा है, ये सब इस बेसिकली ये इस फंक्शन के ऊपर बेस करके हम लोग देखें, ठीक है। इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। इन अदर वर्ड नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम देखेंगे ये नहीं, नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्योंकि कोई तुम एक सुपर कंप्यूटेशन में कंप्यूटर में तुम्हारा एल्गोरिज्म रन कराओगे जल्दी हो जाएगा, तुम एक ओल्ड जनरेशन कंप्यूटर में तुम्हारा प्रोग्राम रन कराओगे दो दिन टाइम लगेगा, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट इज कॉल्ड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो दिस नंबर इज प्राइमरली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोग्राम इनपुट, ठीक है। बेसिकली ये जो है मशीन इंस्ट्रक्शन ये किसके ऊपर बेस करके होता है, नंबर ऑफ प्रोग्राम इनपुट एंड एसेंशियली नंबर ऑफ प्रोग्राम इनपुट के ऊपर बेस करके होता है। तो ये तो क्या तुम्हारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ट्रेड ऑफ है इसके ऊपर,
अब तुम ये तुम लोग स्टडी करो व्हाट इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस केस एंड अमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कहाँ कहाँ पे अमोर्टाइज्ड एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोरमैन का बुक फॉलो करो सबसे अच्छा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी के जब स्टडी कर रहे हो कोरमैन का बुक फॉलो करो, वन ऑफ द बेस्ट बुक, दी बेस्ट बुक, ठीक है। तो इसमें वर्स केस एवरेज केस बेस्ट केस में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अमोर्टाइज रनिंग टाइम, ठीक है, बेसिक। तो अब जो चलते हैं जो आज का जो सेशन का लास्ट टॉपिक है, तो वो है बीगो नोटेशन। जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करते हैं, तो वन ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन इज बीगो नोटेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो ये है कि अगर इफ तो मैं क्या लिखेंगे कि मेरे पास एक फंक्शन है fn, fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बीगो, बेसिकली ऑर्डर ऑफ सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, बीगो नोटेशन सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ये कैसे हो रहा है, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है सर? आपका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है सर, मैं दूसरे क्लास में तो आप देखो तो हम लोग देखेंगे कि बीगो नोटेशन में क्या है कि हम लोग अगर लिखेंगे fn इज ए फंक्शन, ठीक है, fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ bn लिखेंगे, बेसिकली ये जो कीवर्ड है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ bn बीगो नोटेशन में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ bn। तो ये इसको क्यों लिखे, कैसे लिखेंगे, कब लिख पाएंगे, इफ fn इज लेस देन इक्वल टू gn फॉर c ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन शॉर्टकट, ठीक है, अगर ये हो रहा है, ठीक है। कोरमैन में बुक में देखो ये वाला जो चीज है मैथमेटिकली भाया एक ग्राफ के तौर पे दिखाया गया कि जब एन का साइज जो इनपुट साइज का साइज एन इज द नंबर ऑफ इनपुट सर्टेन नंबर से ज्यादा हो जाएगा तब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तब मैं बोलूंगा कि बेसिक, तो मैं एफ एन इज लेस देन एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है, एंड जी एन इज एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड फॉर एफ, ठीक है, जी एन इज एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड फॉर एफ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर 10 है, जी एन इज इक्वल टू 10 है, तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ 1 लिख सकते हैं, मैं अपर बाउंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी टू इंटू एन क्यू प्लस 1, तो इसको मैं ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लिख सकते हैं बीगो नोटेशन, 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, डिटेल में अभी देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कौन से वैल्यू के लिए क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो जब तुम बेसिक एसेंशियली जब तुम ये नोटेशन दे रहे हो तो देखो ये सब जो लोअर ऑर्डर टर्म है उसको ड्रॉप करके तुम ये नोटेशन दे रहे हो, ठीक है। ये देखो अगर तुम इस नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये टर्म का कंपटीशन देख रहे हो तो देखो कि एन का इंक्रीमेंट और बाकी सब चीजों का इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एन 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 का इंक्रीमेंट एन इक्वल टू 1 के लिए ये कांस्टेंट टाइम है, तो ये सब 1 1 1 1 है, ये लॉग इन टाइम है, ठीक है, लेस देन बेटर देन लीनियर, इसको लीनियर टाइम बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के तौर पे इसको क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रूप में, तो ये ऑर्डर में है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है। तो जब एन का इंक्रीमेंट हो रहा है ये सब वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वो देखो, तो देखो ये तो लीनियर टाइम है, एन इक्वल टू देखो 1 2 4 8 16 बेसिकली 2 to the power एन के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ये देखो ये कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, लॉग इन का इंक्रीमेंट देखो 1 1 2 3 4 इससे काफी बेटर है, ठीक है, बेसिकली ये बेटर इसलिए, इसका इंक्रीमेंट देखो ये सेम एज दिस वन, एन लॉग इन का इंक्रीमेंट देखो ये इससे थोड़ा हायर है, तो 1 2 4 क्योंकि एन के साथ लॉग इन मल्टीप्लीकेशन है 1 2 8 24 64। सिमिलरली एन स्क्वायर का इंक्रीमेंट देखो 1 4 16 इससे ये काफी ऊपर है,
ठीक है, इसका जो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे ये ऊपर जाएगा, इससे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि हम लोग ये 4n² को ऑर्डर ऑफ n क्यूब क्यों लिखते हैं, इसका एग्जांपल तुम लोग को अवधेश सर देखा है, बिगर नोटेशन स्टडी किया है? हाँ, तो तुम लोग यहाँ पर भी थोड़ा देख लो फॉर कंप्लीटनेस के लिए। तो 4n² को ऑर्डर ऑफ n क्यूब कैसे लिखेंगे, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर hn इक्वल, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें अगर hn इक्वल टू 4n² लेते हैं और gn इक्वल टू n क्यूब लेंगे, तो देखो मुझे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा और n नॉट का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो कौन से n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए ये स्ट्रेटजी होल्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से देखो कि अगर ये मुझे दिखाना है तो मैं इसके जगह पे ये बिठाएंगे, डिवाइड करो, सिंपलीफाई करो इसको, डिवाइड करो n क्यूब से डिवाइड करोगे तो मेरे पास आएगा 0 < 4n < c। तो मतलब तुम्हें अगर c तो इससे बड़ा ले लोगे तो मैं क्या करूँ, नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, कैसे, वी सी दैट 4n का मैक्सिमम वैल्यू, 4n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n जब c इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो 4n जब c इक्वल टू 4 ले लेंगे तो बेसिकली तब क्या होगा, और n नॉट इज इक्वल टू 4, n नॉट इज इक्वल टू 4 ले लो, c इज इक्वल टू 4, n नॉट इज इक्वल टू 4 ले लो, ये इक्वालिटी ट्रू होल्ड हो जाएगा हमेशा, ठीक है। कोई चार के कोई चार से कोई भी ऊपर वैल्यू ले लो, ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखो, ये जो 400n³ + 200n² = (n³) कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करो, ये रिलेशन में भी ये सब्स्टिट्यूट करो, ये सब्स्टिट्यूट करोगे और gn इक्वल टू n³ सब्स्टिट्यूट करोगे, डिवाइड करो, इसको सिंपलीफाई करो और देखो, और देखो ये वाला टर्म कब जीरो की तरफ जा रही है, तो n का कौन सा वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, और c नॉट का n नॉट का कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम नोट कर लो, ये तुम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर में ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, कैसे लिख सकते हो उसका प्रूफ, तुम्हें एल्गोरिथम कोर्स में ये सब प्रूव करने के लिए आएगा कि शो दैट n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ n log n, बेसिकली इसका हायर जो टर्म है उससे लिख ही सकता हूँ, ठीक है, अपर बाउंड है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये चेक करो कि 10n³ + 2n² नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो ये दीज आर द एक्सरसाइज, तुम लोग घर पे ट्राई करो। आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ बिकॉज आई हैव सर्टेन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आज के क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो ऑर्डर नोटेशन है उसको देखेंगे, और सबसे बेहतर है कि जो ये सब जो प्रॉब्लम है और इसका जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, इसके लिए कोरमैन का बुक, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, आई हैव एवर फाउंड, ठीक है, कोरमैन का बुक, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज आई विल स्टॉप टू डिस्कस। हाँ, किसी ने बोला कि रिया ने बोला कि सर कोई क्वेश्चन है, कौन सा बुक फॉलो करना है ग्राफ थ्योरी के लिए, तो जो ग्राफ वाला पोर्शन किए थे स्टार्टिंग में बोल दिए थे, तो कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है, तुम पूछो। ग्राफ वाला पोर्शन के लिए तुम केंथ रोजन का बुक देख सकते हो, छोटा स्मॉल जो बेसिक देखने के लिए, ठीक है। स्वाम सीरीज का बुक देखो, डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैं बोला था स्वाम सीरीज का बुक देखो, और कौन को क्या बोला था, हरजीत सिंह सहानी का बुक देखो, ठीक है। सर अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या बताए हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एल्गोरिथम में तुम्हें अपडेट सर कौन सा बुक फॉलो करने के लिए बोला है, सर ग्रुप में लिख लीजिए कौन कौन सा बुक है उसका नाम। नहीं, अपडेट सर कौन कौन सा बुक फॉलो करने के लिए बोला है एल्गोरिथम में, तो बेसिकली कोरमैन का बुक है, होल्ड ऑन मैं दिखा देता हूँ। पहले ग्रीन कलर का बुक आता था, अभी ये
कलर का बुक है, सॉरी ब्लू कलर का बुक है, ठीक है ये बुक, इसका ई कॉपी तुम्हें नेट में अवेलेबल है, मिल जाए ये बुक है, देख रहे फोर पॉइंट फाइव हाँ, तो इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन में स्टडी करो, ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बेटर है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी वहाँ पे काफी इन्फॉर्मेशन है, एल्गोरिथम तो है ही, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बुक है, ठीक है, खरीद लो, इसको खरीद भी सकते हो, फुल लाइफ लगेगा, ठीक है, तो ये वाला बुक देखो, वन एंड ओनली बुक, ठीक है, और कुछ वो एक कॉमन बुक तो नहीं है, अभी तो मास्टर डिग्री कोर्स पढ़ रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर बुक में सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो ब्रॉड एरिया है, सारे फील्ड में वास्ट एरिया में अप्लाई होता है, तो एक कॉमन बुक तो किसी में नहीं है, ठीक है, मैं जनरली तीन चार बुक फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं बोल दिया, कोई तुम्हें पर्टिकुलर बुक फॉलो करना है तुमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ओके एनीथिंग एल्स, अदरवाइज आई विल स्टॉप टुडेस सेशन हियर, नथिंग, ओके थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, लेट अस, थैंक यू सर, थैंक यू सर.